वाराणसी में भारत के मन की बात मोदी के साथ के अभियान को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी काशी के 80 घाट पहुंची, जहां स्मृति ईरानी मीडिया से रूबरू हुई और अभियान के बारे में बताते हुए कहा कि बीजेपी ने 3 फरवरी से ये अभियान छेड़ा है, जिसके तहत विकास कार्यों को लेकर देश की जनता के सुझावों को सरकार तक पहुंचाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने सरकार की 5 साल में उपलब्धियों के बारे में भी बताया और जनता की ओर से मिले विशाल जनादेश का सम्मान भी किया। तो आपको बता दें, मन की बात मोदी के साथ अभियान का सिलसिला अभी फिलहाल जारी है, जिसके लिए स्मृति ईरानी काशी के 80 घाट पहुंची और उन्होंने विकास कार्यों को लेकर मीडिया से बातचीत की। ये भी शिल्पकार बुनकर हैं, वो अपना साजो सामान लेकर TFC के माध्यम से बेच सकते हैं, ऐसी व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। साथ ही हमने वो बुनकर जो अपनी लूम बदलना चाहते हैं, उनके लिए हथकरघा संवर्धन एक पूरा का पूरा योजना, एक पूरा का पूरा प्रस्ताव बनाया, जिसके अंतर्गत 90% हम लोग स्वयं सब्सिडी देते हैं। मात्र बुनकर को 10% का पैसा देना पड़ता है और नई लूम उनको उपलब्ध कराई जाती है। भारत के बुनकरों के इतिहास में पहली बार अगर बुनकर का परिवार स्कूली शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो NIOS के माध्यम से, यूनिवर्सिटी की शिक्षा पाना चाहता है तो इग्नू के माध्यम से, 75% की फीस भारत सरकार भरती है। बनारस में स्वयं मेरे हाथों 300 बच्चे ऐसे NIOS के प्रोग्राम में सम्मिलित हुए, उन्होंने भाग लिया ताकि वो अपनी शिक्षा पूरी कर सकें।